हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लंबे इंतजार के बाद जोधपुर में बरसे बादल, कई घंटों तक रुक रुक कर हुई बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। शहर में आज लंबे समय बाद बादल बरसे। गत स्वतंत्रता दिवस को हुई बारिश के बाद सोमवार को दोपहर में बारिश हुई। यहां कई घंटों तक रुक रुक कर बारिश हुई। इससे पहले सुबह कुछ देर तक रिमझिम फुहारे पड़ी थी। मौसम विभाग जोधपुर सहित सिरोही व जैसलमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जोधपुर शहर व उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था। आज सवेरे शहर के कई भागों में फुहारे गिरी तो कहीं रिमझिम हुई। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे शहर में बादलों ने बरसना शुरू किया। इसके बाद काफी देर तक यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून में कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। इसके अगले दो दिनों में पश्चिमी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाड़मेर व जालौर जिले के लिए येलो अलर्ट और सिरोही, जोधपुर व जैसलमेर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर के धोरीमन्ना व गुड़ा मलानी में रविवार को भी अच्छी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने जोधपुर के लिए पहले भी शनिवार व रविवार को बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन रविवार को दो चार बूंदे गिरकर रह गई थी। आज आसमान पर बरसाती बादल छाए रहे जिसके बाद बारिश हुई। इससे पहले आज सवेरे 8 बजे शहर के कई भागों में फव्वारे गिरी तो कहीं रिमझिम हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इसके बाद गर्मी और उमस से राहत मिली। बता दें कि जोधपुर सहित समूचे पश्चिमी राजस्थान में अब तक इस मौसम की एक भी जोरदार बारिश देखने को नहीं मिली है। क्षेत्र के लोग बड़ी बेसब्री से तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब मौसम विभाग के अनुमान ने जोरदार बारिश की उम्मीद जगाई है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।